Bonjour mon ami, comment ça va? Hello my friends, how are you today? I hope you are trying to learn some common French expressions so that you can use them if needed. आइए बात करते हैं आज के वीडियो की. In this video, I'm going to share a sample answer with you and the sample answer is going to be of this particular cue card. Let's have a quick look at it. The cue card is talk about a positive experience that you had of buying something online. It can be also a positive customer service experience you had. वो चाहे online हो चाहे offline हो, still you can keep the same sample answer that I'm going to discuss in this video. Similarly, और भी कुछ ऐसे questions, time you were really pleased with the service provided to you, या ऐसा कुछ भी, because with time, जैसे नया list आता है, कई बार cue card का name थोड़ा सा change कर देते हैं, but you really don't need to change the elements or the content you have prepared for the same cue card. In fact, this same cue card and same video maine pehle hi is video mein share kiya hua hai, but I'm going to share it once again with you in this video. To baat kis cheez ki hum karne wale hain? Baat karne wale hain hum Amazon ki. Amazon ek bahut hi popular site hai jahan par log online shopping karte hain. हर किसी को एक्सपीरियंस रहता है ऑनलाइन का, जिनको नहीं है वो आजकल कर रहे हैं. तो सो यू कैन से इट वाज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस. वन ऑफ योर फ्रेंड सजेस्टेड, यो भी खरीदना क्या था, कोई एक चीज चूज कर लो. फॉर एग्जांपल आई वुड से क्या खरीदें यार, स्पोर्ट्स शूज तुम्हें लेने होंगे. ठीक है, स्पोर्ट्स शूज ले लेते हैं. फाइन, तो हम क्या कहेंगे कि स्पोर्ट्स शूज लेने थे. मेरे एरिया में कोई ज़्यादा ब्रांडेड शोरूम्स नहीं है, तो आई वाज नॉट एबल टू डिसाइड विच वन टू बाय, जिसकी वजह से आपने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने आपको अमेज़ॉन के बारे में बोला. तो नाउ अमेज़ॉन पे जब आप गए तो यू गॉट अमेज़्ड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही रेंज, बहुत ही वैरायटी थी स्पोर्ट्स शूज़ की. नंबर टू, पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम कहेंगे, तो आपने ये भी देखा कि उसके ऊपर बहुत सारे फेस्टिव डिस्काउंट्स थे, 50% 70% ऑफ चल रहा था, तो आपके बजट में काफ़ी सारे शूज अभी आ रहे थे. देन हम बात करेंगे कि कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि अमेज़ॉन पे आपको बाय करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, आप घर आने के बाद भी चीज़ के लिए पे कर सकते हो. ये भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो गया. अभी जो चीज़ आपने ऑर्डर की वो 4 दिन में ऑर्डर होनी थी और आपके घर में 3 दिन में आ गई, फिर से पॉजिटिव हो गया. अभी हम सीधा इसको ऑल टाइम पॉजिटिव रखने की बजाय थोड़ा सा नेगेटिव कर देंगे और उसके बाद इसको फिर हम पॉजिटिव बनाएंगे. वो कैसे, ऐसे ये हुआ कि जब आपके पास डिलीवरी आई चीज़ की, तो आपने देखा कि प्रोडक्ट का साइज़ थोड़ा डिफर कर गया है, उसका एक साइज़ बड़ा है या छोटा आ गया, कुछ भी ऐसा. फॉर्चुनेटली वहाँ पर जो आपके पास बॉक्स आया, वहाँ पर एक कस्टमर सर्विस का नंबर भी लिखा हुआ था जिसको आपने कॉन्टेक्ट किया. उस बंदे ने बड़ा ही पोलाइटली आपको सुना, आपके कंसर्न को समझा. विदाउट सेइंग एनीथिंग उसने कहा कि कल एक लड़का आके आपके ये शूज़ ले जाएगा और आपको एक नया पैकेट डिलीवर किया जाएगा. नया डिलीवर पैकेट हुआ और उसके साथ आपको दो मूवी के कूपन्स वाउचर्स भी मिले. कूपन्स नहीं होता, कूपन्स होता है. और ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने एडमिट किया कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये आपको मूवी वाउचर्स भेजे. एंड अल्टीमेटली इट टर्न आउट टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन. आइए स्टार्ट करते हैं आज का सैम्पल आंसर. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस स्ट्रेट अवे. While watching the videos, don't forget to press the like button and leave some comments at the end of my video as well. And let's start today's sample. Well, it is not uncommon to see people buying things online as it comes with lots of advantages to them, especially when it comes to saving time and money. Here, I would like to share my experience of buying something online for the very first time. Actually, this incident took place almost a year ago when I was planning to buy a pair of sports shoes. I was not finding anything in my local market as I wanted to buy a branded pair of shoe. At that time, my friend suggested me to check out on Amazon, an online portal. On his advice, I downloaded Amazon application and I was amazed to see the range and variety of footwears available on it. And there were quite a few that were within my budget. When I selected one article to buy, I got surprised to see that there is also an option of
payment on delivery. That was certainly more convenient for me. I was supposed to receive this pair of shoes in next 3 days, and surprisingly, I received it in 2 days only. I was really excited. However, my excitement turned into disappointment when I opened the box because the size of the article was not the same as I ordered. However, there was a customer service number that was there on the box, so immediately I called Amazon. The guy on the other side, Mr. Singh, was very polite by nature and he heard me very patiently. He said, "Not to worry, sir, and we will arrange the pickup of the pair and soon you will receive the correct article." In fact, he said that we will be sending you 2 movie vouchers as well to apologize for the inconvenience caused. I must say that my first experience of buying something online was really very positive, though I was concerned, but the way I received the customer service and the way the things were managed by Amazon, I was really impressed. And that's it. तो ये थी बात आज Amazon की, काफी ऐड कर दी वैसे मैंने Amazon की, अगर पहले बात की हुई होती Amazon से तो थोड़ी सी उनसे पेमेंट ले लेता. Anyway, that's pretty much all for today and I'm Ramandeep Singh. Catch you very shortly in my next video. Till then, take care.